Hey everyone so today we talk about external genitalia and memory gland in previous video uh, I taught you about uh, uh, female reproductive system in which I I taught you about uh, ovary uh, ovarian follicle accessory duct so external genitalia and memory gland is, is the part of the female reproductive system so today we deal about the uh, deal, uh, deal with uh, external genitalia and fem, uh, मेमरी ग्लैम सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज एक्सटर्नल जेनेटीरिया अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल जेनेटीरिया की तो आखिर अः uh, पहला क्वेश्चन तो ये आया कि हैं या फिर वो आउटसाइड होते हैं इनसाइड द बॉडी नहीं होते हैं आउटसाइड द बॉडी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं एक्सटर्नल so जेनेटिलिया जो है ये फर्दर कुछ पार्ट्स में और डिवाइडेड है तो फर्स्ट पार्ट प्यूबिक then the second is labia mezzora the third is labia minora the fourth is hymen and the last, uh, the last is clitoris so these are the past uh, part of the external genitalia and what is external genitalia With, uh, which you can look at from the neck dies या fir outside of the body it's called external genitalia so basically अभी आपको नाम बड़े अटपटे से लग रहेंगे labia majora labia minora mons pubic ये है कैसे नाम so basically अ uh, confused नहीं होना है आपको मैं इसे structure के through detail पढ़ाऊँगी जिससे आपको समझ में आएगा basically ये parts है क्या सो so, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मोनस प्यूबिक की तो मोनस प्यूबिक जो होता है बेसिकली मोनस प्यूबिक जो होता है टॉप पार्ट होता है बेसिकली मोनस प्यूबिक इज़ द टॉप पार्ट जहाँ वो और एक ऐसी एरिया जहाँ पर बेसिकली क्या प्रजेंट होते हैं जहाँ पर बेसिकली फैटी एसिड लोअर साइड जो होगा बेसिकली आ, ये जो इस येल्लो कलर का आपको दिख रहा है ये मोनस प्यूबिक है जिसकी लोअर साइड क्या होती है फैटी आ, फैटी टिश्यू होते हैं फैटी टिश्यू होने की वजह से इसकी जो अपर साइड है यहाँ पर क्या होता है हेयर ग्रोथ होती है इसकी अपर साइड क्या होती है इस वजह से हेयर ग्रोती है और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मोनस प्यूबिक कहते हैं और इन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर सो बेसिकली सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है आप मोनस प्यूबिक सो इस पार्ट को हम कहते हैं मोनस देन मोनस प्यूबिक के बाद एक फ्लोडेड स्किन टू फ्लोडेड स्ट्रक्चर होते हैं स्किन का कुछ इस तरीके का इस फ्लोडेड स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो इसकी एक सिंगल सेल सेल जो होती है उसे हम बेसिकली मैं अगर बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इसकी सिर्फ इस पोर्शन की तो इस सिंगल को हम कहते हैं लेबियम मेजोरा या लेबियम मेजोरस कहते हैं और इन दोनों को अगर एक साथ बोलूं मैं क्या कहते हैं तो इन दोनों को एक साथ कहते हैं लेबिया मेजोरा अगर मैं एक सिंगल की बात करूं एक सिंगल को कहते हैं लेबियम मेजोरस और अगर मैं दोनों को साथ बोथ बोथ दी फ्लोट्स की बात करूं तो उनको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा सो जो लेबिया मेजोरा होता है इसकी जो इनर साइड होती है इसकी इनर साइड सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सो बेसिकली सबसे टॉप में जो होगा सबसे टॉप में बेसिकली मोनस प्यूबिक होगा जो कि जिसके नीचे की साइड लोअर साइड जो होते हैं फैटी टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है अपर साइड क्या होती है हेयर ग्रोथ होती है और उन हेयर्स को क्या कह रहे हैं हम प्यूबिक हेयर कहते हैं वहीं उसी के जस्ट नीचे जो होता है स्किन स्किन जो होती है वो उसके टू फ्लोट्स होते हैं एक एक सिंगल को हम लेबिया मेजोरस कहते हैं और दोनों को एक साथ हम लेबिया मेजोरा कहते हैं लेबिया का मतलब होता है लिप और मेजोरा का मतलब होता है लार्ज तो यहां पे लार्ज जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ एक लार्ज लिप्स की तरह होता है इसीलिए इसका नाम रखा गया है लेबिया मेजोरा जो लेबिया मेजोरा होता है इसी के इसी के जो इनर साइड होता है इसके इनर साइड सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जो जिसमें भी क्या होते हैं टू फ्लोरस होते हैं लेबिया मेजो अगर मैं बात करूँ इसकी लेबिया मेज़ोरा की तो यहाँ पे भी क्या होता है हेयर प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेज़ोरा में भी बट मैं इसके अंदर की अगर बात करूँ अंदर भी टू फ़्लो फोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से और इन फ्लोट फ्लोट को जो है इन फ्लोट को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा जो कि सॉफ्ट चुके बने होते हैं जहाँ पे कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होता है लेबिया मेजोरा और मोनस प्यूबिक दोनों में हेयर प्रेजेंट हो गए बट उसके लेबिया मेजोरा के अंदर भी दो फ्लोट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा जो कि सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है सो तो याद रखिए इसके अंदर भी टू फ्लोट होंगे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं लेबिया माइनोरा देन uh, ये जो ले माइनोरा का मतलब हो लेबिया का मतलब तो लिप हुआ लेकिन माइनोरा का मतलब जो है माइनोरा का मतलब हुआ बेसिकली स्मॉल uh, तो यहाँ पे क्या होंगे लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा बेसिकली लेकिन वो कैसा होगा स्मॉल होगा देन इसी के अगर मैं अंदर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है हाईमेन ये होता है हाई में. अगर मैं बात करूं हाइमेन की हाइमेन क्या है ओपनिंग ऑफ वजाइना है तो याद रखिए हाइमेन इज द ओपनिंग ऑफ वजाइना वही हाइमेन के जस्ट ऊपर से आ, जस्ट ऊपर से हाइमेन के यहाँ पे एक पोर्शन प्रेजेंट होता है दिस इस साइड इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल जो है ये क्या है हैव uh, यहाँ पे क्या होगी ऑल द ओपनिंग यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी वेस्टिब्यूल में होंगी तो इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल हैव ऑल द ओपनिंग तो वेस्टिब्यूल में क्या होंगी सारी की सारी ओपनिंग कहाँ पे होगी वेस्टिब्यूल में होगी देन इसी के जस्ट ऊपर से वेस्टिब्यूल सॉरी uh, अगर मैं बात करूं वेस्टिब्यूल की तो इसके अंदर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम वेस्टिब्यूल कहेंगे और इस वेस्टिब्यूल के अंदर यहां पे कहीं पे, इस पोर्शन में एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसको हम कहते हैं यूरेथल ओपनिंग इसके अंदर जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेसिकली इसको हम कहते हैं यूरेथल ओपनिंग इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं यूरेथल ओपनिंग एंड यूरेथल ओपनिंग के भी जस्ट ऊपर से एक और स्ट्रक्चर होता है यहां पे इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्लिस्टोरिस जो होता है इट इज द कवरिंग ऑफ लेविया माइनोरा क्लिस्टोरिस इज द कवरिंग ऑफ लेविया माइनोरा तो याद रखिए सबसे ऊपर यहाँ पे क्लेस्टोरिस प्रेजेंट होगा जो कि लेबिया माइनोरा की कवरिंग होती है एंड इस पूरे अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल वेस्ट इसके सेंटर में यूथेरल ओपनिंग होगी एंड नीचे क्या होगा हाइमन होगा हाइमन इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा uh, जो uh, हा वेना की ओपनिंग होती है वो हाइमन से क, कवर्ड होती है तो याद रखिए फीमेल में हाइमन प्रेजेंट होता है जो कि कवर्ड करता है बेसिकली वेजा की ओपनिंग को सो बेसिकली गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो भी ब्लड निकलता है सो so, वो कहाँ से निकलता है बेसिकली हा ओपनिंग से ही होता है और हाइमन जो होती है हाइमन इज द कवरिंग ऑफ वेजैनंग ओपनिंग जो बेसिकली एक कवरिंग का काम करता है सो so बेसिकली ये ये था डिटेल अबाउट दी एक्सटर्नल जेनेटीलिया तो आई होप आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो समझ में आया होगा अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड uh, की अगर मैं बात अगर मैं शॉर्ट में ही बात करूँ मेमोरी ग्लैंड की तो मेमोरी ग्लैंड में क्या है मेमोरी ग्लैंड करती क्या है बेसिकली यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है बेसिकली मेल में कभी भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है um, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन होता है मेल्स में क्या होती है मेल्स में मैं आपको बता दूँ मेल्स में कभी कभी क्या होती है एक डिज़ीज़ कॉल होती है जिसे हम कहते हैं ग्लैक ग्लैंको मेस्टिया uh, ग्लैंकोमेस्टिया जो होती है ये क्या करने लगती है फीमेल में वैसे मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन जब मे मेल में ये डिजीज़ हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है मेल्स में सो so, याद रखिए मिल्क प्रोडक्शन कौन करती है फीमेल करती है लेकिन अगर कभी किसी मेल में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स उसे एक डिजीज़ हो गई जिसका नाम है ग्लैंड ग्लेंको एस्टिया ग्लेंको एस्टिया क्या है बेसिकली ये डिजीज़ है जो कि क्या करती है मिल्क प्रोडक्शन करती है सो so बेसिकली अगर मैं बात करूँ मेमोरी ग्लैंड की मेमोरी ग्लैंड जो है मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है फॉर मिल्क प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड क्या है इट इज अ मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन अगर मैं एक शॉर्ट में आउटर uh, स्ट्रक्चर की बात करूँ मेमोरी ग्लैंड की तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सो so बेसिकली अगर मैं इसकी सबसे इसके बा, आउटर बात आउटर पोर्शन की बात करूँ ये वाले पोर्शन की तो ये क्या है ये एक मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ये जो पोर्शन होता है ये क्या है मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है तो बेसिकली याद रखिए ये जो मेमोरी ग्लैंड का ये वाला पोर्शन है ये क्या है मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है इसके जस्ट अंदर की तरफ जो है इसके जस्ट अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से डौ, 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 ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है जिसमें ये डॉट्स होते हैं बेसिकली ये डॉट्स क्या हैं इन्हें हम कहते इन डॉट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं इस पोर्शन को कहते हैं हम एडोला एंड इसके ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं निप्पल जिससे क्या होता है बेबी को मिल्क मिलता है बेसिकली सो ये तो एक्स्ट्रा आउटर स्ट्रक्चर की बात है इसका जो इनर स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम एक कल की एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी सो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई हो एक छोटी सी वीडियो और कल हम डिटेल में बात करेंगे बेसिकली मेमोरी ग्लैंड के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हाँ को क्या नाम दे रहे हैं कैसे एक मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल में कौन सा हॉर्मोन उसमें हेल्प करता है सो आई होप आपको आज का पोर्शन पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे आ, जो भी आ, वीडियो बनाने को कहा है मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियो बनाऊंगी वन बाय वन स्टेप वाइज सो आई होप आप आ, वीडियो का वेट करेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग